हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास 12th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज। आज हम यूनिट 2 का रीड 2 पढ़ेंगे और वो एक पोयम है जिसका नाम है शेपर शेप्ड। शेपर शेप्ड का अर्थ है शेप देने वाला, अर्थात आकार देने वाला। उसने खुद ने आकार प्राप्त कर लिया। इस पोयम को लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि एक बंगाली पोइट है और बहुत महान एक नाटककार, साहित्यकार, संगीतकार भी रह चुके हैं। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। इस पोयम में हम जब शुरुआत करते हैं तो मैं आपको उसका समरी बताना चाहूँगी। इन फॉर्मर डेज पोइट वॉज जस्ट इग्नोरेंट अबाउट मैनी रियलिटीज एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द क्रिएटर ऑफ मैनी थिंग्स, बट लेटर ही रियलाइज द क्रिएटर ऑफ एवरी थिंग इज गॉड एंड ही इज नथिंग बट अ थिंग टू बी शेप्ड। इसका अर्थ है कि पहले के दिनों में पोइट जो थे उनमें अज्ञानता भरी हुई थी, उनमें समझ नहीं थी, बुद्धिमानी नहीं थी, तो उनको वास्तविकता के बारे में नहीं मालूम था और वो हर चीज़ को बनाने वाला खुद को समझते थे, अर्थात हर चीज़ का निर्माण करने वाला कि मैं ही हूँ। तो उनको इस पर अभिमान था कि मैं कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, उन्हें जब समझ आई, अज्ञानता जब दूर हुई, तो उनको ये बात पता चली कि हर चीज़ का बनाने वाला जो है वो कौन है? गॉड। और वो तो केवल एक ऐसी चीज़ है जिसको गॉड आकार देते हैं, अर्थात इंसान को भी शेप करने वाले कौन है? गॉड, सुप्रीम पावर। अब हम पोयम पढ़ते हैं। In days gone by, I used to be a potter who would feel his fingers mold the yielding clay to patterns on his wheels. But now, through wisdom and wisdom lately won, that pride has died away. I have ceased to be the potter and have learned to be the clay. भूतकाल में कवि कह रहे हैं कि मैं एक कुम्हार था। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। कुमार क्या करता है? अपने चाक पे बर्तन बनाता है। तो मैं एक कुमार था और मैं यील्डिंग क्ले माना सॉफ्ट मिट्टी, और मेरी उंगलियां उस सॉफ्ट मिट्टी से मनचाहा आकार देकर अपने चाक पर बर्तन बना सकती थी। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली बॉर्न, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे पता चला, धीरे धीरे मेरी बुद्धिमानी बढ़ी, मेरी मुझमें ज्ञान आया, मैच्योरिटी आई, तो मेरा ये प्राइड जो था, अभिमान जो था, वो मेरा समाप्त हो गया, डाइड अवे माना ख़त्म हो गया। आई हैव सीज्ड टू बी द पॉटर, अर्थात मैंने पॉटर बनना रुक कर छोड़ कर और मैंने मिट्टी बनना सीख लिया है। मिट्टी बनना सीख लिया है माना मैं एक ऐसी चीज़ बन गया हूँ जिसको ईश्वर खुद आकार दे सकते हैं, अर्थात ईश्वर मुझे बना सकते हैं, मैं कुछ नहीं बना सकता। सब कुछ बनाने वाला कौन है? ईश्वर। In other days, I used to be a poet through whose pen innumerable songs would come to win the hearts of men. But now, through new got knowledge, which I had not had so long, I have ceased to be the poet and have learned to be the song. कुछ समय पहले poet कह रहे हैं कि through मेरे पास ऐसी पेन थी जिससे मैं इन्यूमरेबल मीन्स अनकाउंटेबल, अनगिनत जो है, मैं गीत लिख सकता था और ऐसे गीत लिख सकता था जो कि लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज, लेकिन जैसे ही मेरे को नया ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझ में समझ आई, तो जो कि समझ मुझे पहले नहीं थी, विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से मेरे में वो समझ नहीं थी, जब समझ आई तो मैंने अपने आप को पोइट समझना छोड़कर और मैंने अपने आप को खुद को एक गीत
समझ लिया है, गीत समझ लिया माना जैसे हम गीत का निर्माण करते हैं ऐसे मेरा निर्माण भी होगा, और वो कौन करेंगे? सुप्रीम पावर गॉड। आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड्स इन डेज दैट न्यू नाउ आर गॉन, विच ऑन अ 100 बैटल फील्ड्स glittered and gleamed and shone, but now that I am brimming with the silence of the Lord, I have ceased to be the sword maker and have learned to be the sword. मेरा ऐसा मानना था कि युद्ध भूमि में जो तलवारें चलाई जाती हैं उनका निर्माता, उनका बनाने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही बना सकता हूँ, मेरे हाथ ही ऐसे हैं जो इतनी चमकती हुई तलवारों का निर्माण कर सकते हैं जो युद्ध भूमि में चलती हैं। ग्लिटर्ड का मतलब चमकना, ग्लीम्ड का मतलब ऐसे लगता है कि बिजली की चमक की तरह जब तलवार घूमती है तो वो उसकी चमक दिखाई देती है, और वो एक क्या है, विजय प्राप्ति का साधन। तो मुझे ये अभिमान था कि ऐसी तलवारों का निर्माण भी मैं ही कर सकता हूँ। बट नाउ दैट आई एम ब्रीमिंग विद द साइलेंस ऑफ द गॉड, लेकिन अब मेरे में इतनी शांति आ गई है, ऐसा लगता है कि ईश्वर द्वारा जो है मुझे शांति भेंट के रूप में प्राप्त हो गई है। द साइलेंस ऑफ द गॉड अर्थात ईश्वर ने मुझे शांति प्रदान कर दी है, और आई हैव सीज्ड टू बी द स्वॉर्ड, मैंने स्वॉर्ड मेकर, और मैंने अपने आप को तलवार का निर्माता समझना बंद कर दिया है, और अपने आप को मैं एक तलवार समझने लग गया हूँ। लास्ट स्टेंजा है, इन बायगॉन टाइम्स आई यूज टू बी अ ड्रीमर हु वुड हर्ल ऑन एवरी साइड एंड इंसोलेंस ऑफ एमेराल्ड एंड पर्ल, बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, आई हैव सीज्ड टू बी द ड्रीमर एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम। फिर से लास्ट स्टेंजा में पोइट यही कह रहे हैं कि बायगॉन टाइम्स माना फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में मैं एक ड्रीमर का मतलब सपने देखने वाला हुआ करता था, जो ये समझता था कि मेरे पास एमेराल्ड का मतलब होता है नीलम, पर्ल का मतलब होता है मोती, तो कीमती पत्थरों का मैं क्या हूँ, मालिक होने का मुझ में घमंड हुआ करता था। लेकिन अब बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, और अब जैसे जैसे मुझ में परिपक्वता आई है वैसे वैसे मैंने ईश्वर के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, और मैंने अपना सर उनके सामने झुका दिया है एट द फीट ऑफ द सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर, उनके सामने मैंने अपना सर झुका दिया है। आई हैव सीज्ड टू बी द ड्रीमर, मैंने ड्रीमर बनना छोड़कर, ड्रीमर माना सपने देखने वाला, जो मैं पहले सपने देखा करता था, अब मैंने वो सपने देखने वाला छोड़कर मैंने खुद एक सपना बनना सीख लिया है, अर्थात अब मैं खुद एक सपना बन गया हूँ। इस पोयम में पोइट जो है ये लास्ट में, हर लास्ट की दो लाइनों में यही समझाना चाहते हैं कि कुछ समय पहले मैं पॉटर था, फिर मैं पोइट था, फिर स्वॉर्ड मेकर था, और लास्ट में ड्रीमर था। तो ये सब जो मैंने अपने आप को समझा, तो ये समझने से मुझ में क्या आ गया था, अभिमान आ गया था, एक घमंड का एहसास होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, बुद्धिमानी आई समय के साथ, वैसे वैसे मैंने अपने आप को ये सब अभिमान छोड़कर मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब होता है एक आत्मसमर्पण कर दिया है ईश्वर के सामने, और मैं सर झुका कर ये कहता हूँ कि अब मुझ में कोई अभिमान नहीं रह गया है, और मेरे खुद के निर्माता भी ईश्वर ही हैं। और देन ही रियलाइज दैट द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज सुप्रीम पावर मीन्स गॉड, कि इस पृथ्वी पर हर चीज़ के जो निर्माता हैं वो सुप्रीम पावर गॉड ही हैं और कोई नहीं। तो मेरा ये घमंड अब दूर हो चुका है। इस पोयम के माध्यम से कवि यही समझाना चाहते हैं, और यहाँ पे पोयम समाप्त होती है। और नेक्स्ट पेज पे आपका एडिशनल ग्लॉसरी दी हुई है, वो आप नोट कर लें, और आप अपनी असाइनमेंट की नोटबुक्स भी तैयार कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
कुछ राइटिंग वर्क दूंगी जिसमें स्पीच राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, इन दो लेसन्स से रिलेटेड, तो वो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। और ये अच्छी तरह से जो आपके 2 यूनिट यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, 2 यूनिट और उनके दो दो रीड, टोटल 4 लेसन्स, 2 पोएम्स, 2 लेसन्स, वो आप यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।